आपके लिए इस इनिशिएटिव को हम लॉन्च करके आए हैं टू मेक योर जर्नी जर्नी थोड़ी हो जाए प्रिपरेशन आई सिंसियरली थोड़ी अच्छी चल रही होगी इफ़ यू भी आपको पूछना है यू कैन इन द कमेंट सेक्शन यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन सपोर्ट नंबर वहां से भी हमसे पूछ सकते हैं राइट सो विद लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो और आज का अपना टॉपिक है Polity. आज हम देखेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेसिकली ये प्रीवियस ईयर है अपने यूपीएससी के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है अपने लिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है से फ्रिल्स के लिए राइट right? काफी कुछ सीखने को मिलता है इनसे और ये आपसे पूछे भी जा सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए सिले हुए लेके आए हम सो लेट स्टार्ट विद आवर वीडियो राइट फर्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द वन ऑफ द ऑफ इक्वालिटी इन द सोसाइटी इज द एबसेंस ऑफ ऑप्शन है प्रिवलेजेस रिस्ट्रेंट कॉम्पिटिशन और आइडियोलॉजी एक अच्छा क्वेश्चन है एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है जो कि राइट टू इक्वालिटी से पूछा जा रहा है कि अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से कौन से आर्टिकल से कहां तक है आर्टिकल 14 से 18 इट टॉक्स अबाउट व्हाट राइट टू इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी राइट फंडामेंटल राइट है अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से फिर से मैं एक चीज अपॉइंट कराना चाहूंगा कि फंडामेंटल राइट्स

किसी को स्पेशल प्रिवलेजेस नहीं मिलने चाहिए सबको बराबरी का ट्रीटमेंट होना चाहिए कि अगर आप कोर्ट के अंदर जाएं इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट सुप जज के सामने चाहे वो कितना ही बड़ा कोई ऑफिसर हो चाहे कितना ही कोई नॉर्मल सिटीजन हो सब बराबर है सबके लिए लॉ बराबर रहता है किसी को स्पेशल प्रिवलेजेस नहीं मिलते राइट दिस इज वॉट इक्वालिटी इज ऑल अबाउट द लैक ऑफ प्रिवेलेजेस येस देर आर सर्टन एक्सेप्शन कुछ एक्सेप्शन है लाइक फॉर द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट बट अपार्ट फ्रॉम दो अगर हम उनको थोड़ा नेग्लेक्ट करें तो ओवरऑल जनरली इक्वालिटी का जो फंडामेंटल जो आइडिया बिहाइंड इक्वलिटी इज द लैक ऑफ प्रिविलेजेज प्रिविलेज का एबसेंस राइट सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल be ऑब्वियसली ऑप्शन ए प्रिवेलेजिज रिस्टेंट नो रिस्टेंस बेसिकली लिबर्टी कि लिबर्टी जब मिलती है वहां पर रिस्टेंट्स की बात आती है कॉम्पिटिशन नो आइडियोलॉजी नो ऑब्वियसली नो जस्ट इरेवेंट ऑप्शन रिसेंट फिर भी आप थोड़ा सोच सकते थे कि हाँ आप रिलेट करने के लिए कंफ्यूजन सिर्फ दो ऑप्शन में होनी चाहिए थी आपको बट प्रिविलेज इज द करेक्ट आंसर एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्ड राइट आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा इक्वालिटी तो जितने हमारे आर्टिकल फोर्टीन से एटीन आप देखोगे तो यहाँ पे प्रिवलेजिस को हटाने की बात चलेगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो दिस इज व्हाट द आइडिया बिहाइंड राइट टू इक्वालिटी इज ऑल अबाउट ओके नेक्स्ट द

तो इनको प्रिपेयर करके जाना ही जाना है ओके लिमिटेशन अपॉन फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव फंक्शन देन इज एक्टिव फंक्शन अब करेक्ट वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू और नाइदर वन और नॉट टू राइट सो यहां पे आपको डीपीएसपी पहली बार समझ में आना चाहिए कि वॉट आर डी पी राइट वॉट आर फंडामेंटल राइट आर डीपीएसपी पी जस्टिसबल और नॉट वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि डीपीएसपी क्या कि किसी चीज पे लिमिटेशन लगाते हैं आर दे एनफोर्सेबल द आंसर इज नो बिकॉज डीपीएसपी किसी पे भी किसी तरीके की कोई लिमिटेशन लगा ही नहीं रहे बिकॉज दे आर नॉट एनफोर्सिएबल दे आर नॉन एनफोर्सिएबल दे आर नॉन एनफोर्सिएबल एज सच राइट या फिर इसको आप नॉन जस्टिसबल भी बोल सकते हो दे आर नॉन जस्टिसबल मतलब कि अगर आपको डीपीएसपी में अगर कोई चीज कोई राइट लिखा हुआ है और डीपीएसपी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा तो इन दैट केस यू कैन नॉट गो अपॉन द सुप्रीम कोर्ट गो विद द सुप्रीम कोर्ट कि भाई को प्रोवाइड नहीं करा जा रहा बिकॉज सुप्रीम कोर्ट विल से ये लॉ के एनफोर्सेबल ही नहीं है डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सेबल वेर एज द फंडामेंटल राइट दे आर एनफोर्सेबल एंड दे आर जस्टिसबल अगर आपसे आपका फंडामेंटल राइट right आपसे वायलेट किया जा रहा है कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है देन यू हैव द हॉल द राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट और इवन हाई कोर्ट बट

रीजन बीइंग अगर यहाँ पे मैं फंडामेंटल राइट right होता तो क्या कोई ऐसा लॉ बन सकता था जो फंडामेंटल राइट right को करके बन सकता था नो no. तो यहाँ पर राइट एग्जीक्यूटिव फंक्शन में कोई लिमिट लगती है नो एब्सोल्यूटली नो राइट बिकॉज एग्जीक्यूटिव फंक्शन अगर डीपीएसपी अगर वायलेट हो रहा है तो वो कर सकते हैं उस पर लेकिन अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा होगा तो एग्जीक्यूटिव एक्शन पे भी को भी उसको खारिज कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जरिए राइट सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी नाइदर वन नो टू डी पी एस पी डज नॉट पुट एनी लिमिटेशन एज सच ऑन लेजिस्लेटिव फंक्शन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव फंक्शन राइट सो आंसर विल बी डी ओके नेक्स्ट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू सीओ एम पार्लियामेंट पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है अपना यूनियन लेर राइट पार्लियामेंट इसके बिना भी, भी कुछ नहीं है ये भी करना ही करना है इट एक्सरसाइज कंट्रोल सीओ एम पे कंट्रोल किस तरह बिखा बिठाता है अपना वो ऑप्शन है एडर्नमेंट मोशन क्वेश्चन आवर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन राइट ये तीन ऑप्शन है आपके सामने की पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है अपना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर कैसे कंट्रोल बिठा रहा है एडर्नमेंट मोशन

उनके हाथ में पूरी पावर ना रहे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो मतलब कंट्रोल रहे ये पार्लियामेंट का असली पावर होता है असली काम होता है असली फंक्शन होता है और वो करता कैसे उसको थ्रू क्वेश्चनिंग क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है इट इज रिस्पॉन्सिबल क्वेश्चनेबल है वो टू द पार्लियामेंट तो उनको आंसर करना पड़ता है क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है राइट तो किसके थ्रू करते हैं वो एडजर्नमेंट मोशन यस इसके थ्रू हो सकता है क्वेश्चन आवर के थ्रू होता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऑल दीज आर करेक्ट आंसर इन तीनों के थ्रू होता है डीज आर द पार्लियामेंट्री टूल्स बेसिकली जिनके थ्रू वो ये अपने ऑब्जेक्टिव को कर, अचीव कर पाते हैं ऑफ क्वेश्चनिंग द एग्जीक्यूटिव तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन डी वन टू एंड थ्री ऑल ऑफ दीज आर द टूल्स विदारमेंट्री यूजेज टू चेक टू कीप अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव राइट ओके सी आंसर इज डी नेक्स्ट द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया है उनका जो आइडियोलॉजी है बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की वो इनमें से किस में रिफ्लेक्ट होती है राइट right? एक आइडियोलॉजी आपको रिफ्लेक्ट होनी चाहिए पूरी तरीके से डिटेल में नहीं बट एक रिफ्लेक्शन एक आइडियोलॉजी दिखना चाहिए ओवरव्यू से दिखना चाहिए कि हाँ किस बेसिस पे बनी हुई है ऑप्शन है आपके ए प्रियम्बल बी फंडामेंटल राइट सी डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी और डी फंडामेंटल ड्यूटीज राइट तो क्या प्रियम्बल में दिखता है येस प्रियम्बल यही चीज तो है आपका वॉट इज प्रियम्बल प्रियम्बल के अंदर आपको दिखता है कि वो एक लाइक आई डी कार्ड काइंड ऑफ है कि वहां पर बेसिकली हमारी आइडियोलॉजी क्या है क्या हम सोशलिज्म को फॉलो कर रहे हैं यस yes, हम सोशलिस्ट बनना चाह रहे हैं हम सेकुलरिज्म बनना चाह रहे हैं सेकुलिस्ट बनना चाह रहे हैं वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन हम रिपब्लिक है राइट ऑल दिस हम लिबर्टी को फेवर कर रहे हैं हम इक्वेलिटी uh, को फेवर कर रहे हैं ऑल दीज थिंग्स आर रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल

राइट सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए ओके सी ऑप्शन ए नेक्स्ट द मेन एडवांटेज द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मेन एडवांटेज क्या है राइट ऑप्शन है आपके एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव वर्क इंडिपेंडेंटली बी इट प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एज एंड इज मोर एफिशियंट सी द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड डी

एक्जीक्यूटिव इज कंट्रोल्ड इज द लेजिस्लेचर की चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव यह मेन डिफरेंस होता है प्रेसिडेंट सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर भी राइट और यह मेन काम होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो कि इंडिया ने अडॉप्ट किया दैट इज द रीजन वी डेंट गो फॉर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम बिकॉज वी कैन नॉट गिव अ पावर होल पावर टू अंगल पर्सन हम ऑलरेडी उस चीज को फेस करके आए थे तो अभी तभी हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी अडॉप्ट किया था राइट सो ना विद ऑल दिस थिंग नाउ लेट्स ट्राई द्वेश्चन आंसर

दूसरों की तरफ अगर हम उसको हमारे दूसरों की तरफ मतलब हमारे नेशन की तरफ भी हमारे फेलो सिटीजन की तरफ और हमारे अलग दूसरी और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जब तक हम उनको रियलाइज नहीं करेंगे जो सामने वाले के राइट right हैं वो नहीं एंजॉय कर पाओगे आप भी नहीं कर पाओगे वो भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज आप अपनी रिस्पॉसिबिलिटी नहीं समझोगे अपनी ड्यूटी नहीं समझोगे तो क्लैशिज होंगे राइट सो फंडा वोट आई एम ट्राइंग टू टेल कि राइट एंड ड्यूटीज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर अगर आपको एक्चुअली किसी नेशन के अंदर राइट्स को एनफोर्स करना है राइट्स को एंजॉय करना है तो राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी होनी चाहिए ड्यूटीज को भी समझना आना चाहिए ड्यूटीज के बिना भी राइट्स कहीं ना कहीं आपके लैक करेंगे राइट उनको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करा जाएगा नहीं कर पाओगे राइट तो लेट्स लुक एट द ऑप्शन नाउ विद ऑल दिस नॉलेज फर्स्ट राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज यस दिस इज करेक्ट राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटीज एंड ड्यूटीज नो अभी बताया मैंने इंडिपेंडेंट ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनको रिलेटेड है दे आर रिलेटेड विद ड्यूटीज सब कुछ रिलेटेड है आपस में राइट्स एंड नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन नो ड्यूटीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट ड्यूटीज भी इंपॉर्टेंट होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी पड़ती है तभी बात बनती है ऐसे खाली राइट से बात नहीं बनेगी देन ड्यूटीज एंड नॉट राइट आर इंपॉर्टेंट फॉर द रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेट नो बोथ ड्यूटीज एंड राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट राइट सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए. आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी जितने भी क्वेश्चन आर नाउ इन फैक्ट इन फेवर अब एच सी एस जो है इस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा पूछ रहा है डीप अंडरस्टैंडिंग इनस्टेड ऑफ क्रैमिंग ऑफ द फैक्ट्स आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए राइट्स की की बेसिकली फंडामेंटल राइट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव क्या है क्यों लेके एनालिटिकल पार्ट नाउ वो एनालिटिकल पार्ट की तरह ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा पूछ रहे हैं आप राइट right? तो उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना चाहिए दैट इज वाईव ब्रॉट अप विद दिसंड ऑफ क्वेश्चन फॉर यू टूडे राइट ओके नेक्स्ट विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट देखो फोकस करना चाहिए हमेशा की वर्ड्स पे की Not पूछा है कि करेक्ट पूछा हुआ है वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बेडेड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसमें से कौन सा पीएम के अंदर आपको नहीं मिलेगा इनमें से कौन सा आपको के अंदर नहीं मिलेगा राइट right? ऑप्शन है आपके लिबर्टी ऑफ थॉट इकोनॉमिक लिबर्टी सी लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन और डी लिबर्टी ऑफ बिलीफ सी प्रियम्बल इज ऑल्सो अ वेरी वेरी रेलिवेंट टॉपिक इसको भी प्रिपेयर कर जाना राइट right? प्रियम्बल की आइडियोलॉजीज प्रियम्बल में कौन कौन से की हैं कब फॉर्म हुआ कुछ डेट्स कब उसको कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंट हुई क्या ये इनफोर्सेबल है नहीं एनफोर्सिबल है राइट right? क्या इसके बेसिस पे लॉ बना सकते हो नहीं बना सकते ऑल दो थिंग कैन इट बी अमेंडेड नॉट अमेंडेड दीज काइंड ऑफ थिंग्स प्रियम्बल को इस टाइप के अच्छे से प्रिपेयर करके जाने की जरूरत है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एंडली रेलिवेंट टॉपिक फॉर योर एस सी एस प्रिलिम्स राइट ओके लिबर्टी ऑफ थॉट इकोनॉमिक लिबर्टी लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन लिबर्टी ऑफ बिलीफ लिबर्टी ऑफ थॉट है येस इकोनॉमिक लिबर्टी नो नथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ प्रोवाइडेड नहीं है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन यस लिबर्टी ऑफ बिलीफ यस ओके देट सी सी हेयर ये अपना प्रियम्बल है राइट सो आप यहां पे देखोगे लिबर्टी ऑफ थॉट लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप नो वेयर इकोनॉमिक ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर इकोनॉमिक लिबर्टी जैसा कुछ भी नहीं है तो इकोनॉमिक विल नॉट बी देयर थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप पांच टाइप की लिबर्टी है कौन सी थॉट एक्सप्रेशन बिली फेथ एंड वर्शिप इसको रिमेंबर करेंगे ठीक है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी आई मीन इनकरेक्ट है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सी अगेन फोकस करना चीन पे इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा इसमें से फीचर नहीं है

इंडिपेंडेंट जुडिशरी पावर्स बीन क्लियरलीस सेवन शेड्यूल क्या है यही तो दिस इज सेवन शेड्यूल राइट और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से हटके है इंडिपेंडेंट जुडिशरी है द फेडरेटिंग यूनिट है राज्यसभा हर स्टेट की डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स है राज्यसभा के अंदर सबकी बराबर बराबर सीट्स नहीं है सर नो सो दिस इज ऑल्सो फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म राइट दिस इज ऑल्सो फीचर ओके इट इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट नो दिस इज नॉट अ फीचर इंडिया में ऐसे नहीं बनी इंडिया की जो स्टेट्स है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस से बनी थी जो यूनियन था यूनियन ने खुद अपने अकॉर्डिंगली स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस It was not like कि स्टेट सारी आपस में मिली और उन्होंने लाइक दू एस यूएस के अंदर क्या था कि जितनी भी फिफ्टी वन स्टेट थी देदाइड किया फ्रंट कि एक एक बनाएंगे जिसको बोलेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो एक फेडरिज्म उनके कैरेक्टर ठीक है इंडियन फेडरलिज्म स्टेट्स फॉर द फेडरेटिंग यूनिट्स जो कि हमारी स्टेट्स है द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल भी ऑप्शन डी राइट आई होप चीजें समझ में आई होंगी ये अच्छा क्वेश्चन था इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन नाउ टू बी आस्ट इन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट राइट कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओके नाउ वॉट इज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट राइट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर भी एक बॉडी होती है कैबिनेट बोलते हैं दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो मिनिस्टर्स होंगे एक्चुअली दे आर द डिसीजन जो एक्चुअल में डिसीजन ले रहे होंगे उनको बोलते हैं कैबिनेट सब पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ दैट इज कॉल्ड एज कैबिनेट राइट तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के स्पेशल कैरेक्टर से क्या होगी इनमें से ऑप्शन ए एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू कैरी आउट द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल नो नथिंग लाइक दैट ऑप्शन बी अ मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे यस इट कैन बी सेड ये हो सकता है सभी के लिए रखते हैं इसको अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल यस दिस इज मोर एक्यूरेट राइट दिस इज मोर एक्यूरेट अ डिवाइस फॉर द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुज होल्ड ओवर द पीपल इज इन स्टेट ऑफ डिक्लाइन नो नथिंग लाइक दैट बेसिकली कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या जब मेन कैरेक्टर से क्या वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की भी यही है कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी बताया था ना कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है वो कैबिनेट एज अ होल इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर टू द पीपल तो द तो उसमें क्या है कि अगर एक बार रिजाइन कर रहे हैं तो कट्ठे ही रिजाइन करते हैं सरकार हैं, तो पूरी कट्ठे कैबिनेट की गिरती है ऑल एंड ऑल दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट और टू द पीपल राइट right? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है किसकी कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कैबिनेट फॉर्म ऑफ गर्व कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टीपल टू द लेजिस्लेचर राइट सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन राइट फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या क्या इसमें से ट्रू है क्या करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग टू द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट इज

राइट ओके देन दे आर कोर रिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज नो नथिंग लाइक दैट ऑल्सो कोई लीगल ड्यूटी को रिलेटेड नहीं लीगल जैसा कुछ भी नहीं है अभी तक फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए देर इज नथिंग लीगल फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज राइट दे आर को लीगल ड्यूटीज के कुछ लीगल ड्यूटीज ऐसा है ही नहीं इंडिया में कुछ अभी राइट दैट इज द रीजन दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इन करेक्ट सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी नाइदर वन नॉर टू राइट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी

फर्स्ट स्टेटमेंट है अपनी प्रोहिबिशन ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट है इंटरेस्ट ऑफ देन प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इन फैक्ट्रीज एंड माइन ऑप्शन है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींगस एंड फोर्स लेबर राइट दिस इज आर्टिकल ट्वेंटी थ्री दिस इज एयर ऑफ अनटचेबिलिटी दिस इज आर्टिकल 17, so these come under right to equality and not right against exploitation, so option 2 is incorrect, uh, statement 2 is incorrect. Then protection of the interest of minorities, article 29, these come under, under art, uh, right cultural and educational rights and not right against exploitation, so this is also incorrect. Then prohibition of employment of children in factories, which article hai? article 24, so this is also correct option, right, so correct answer will be option C, 1 and फोर राइट right? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी विच इज वन एंड फोर सो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी होंगे आर्टिकल और पता लो आपको यहां से एक चीज और बता दूं कि आपको जो छे क्लासिफिकेशन कर रखी है फंडामेंटल राइट्स की राइट right? कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स की छे सिक्स क्लासिफिकेशन कर रखी हैं वो छह की छह आपको पता होना चाहिए उसके अंदर जो जो से आर्टिकल आ रहे हैं आपको पता होना चाहिए राइट टू तो इक्वलिटी राइट राइट टू तो फ्रीडम राइट देन अपना कल्चरल राइट टू एक्सप्लोटेशन देन राइट टू रिलीजन न कल्चरल एजुकेशन राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इस सारे के सारे आपको पता होने कौन कौन से आर्टिकल आ रहे हैं कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आ रहे हैं किस कैटेगरी के अंडर डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन आते हैं और दिस इज वन ऑफ द लो हैंंग फ्रूट ये गलत अब करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते दीज आर द इजिएस्ट क्वेश्चन ये करने बनते भी है right? इनको मिस आउट नहीं करना एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट ओके इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इंप्लाइज

प्रेसिडेंट के महीने से पहले ही अभी ऐसा जडिशियरी कुछ नहीं करेगी द पावर ऑफ जडिश्री टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट गिवन अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट केसेस नो नथिंग लाइक दैट करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए तो व्हाट इज जडिशियल रिव्यू जडिशियल रिव्यू होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चाहे वो लेजिसलेटिव एक्शन हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव एक्शन हो मतलब चाहे कोई लॉ हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव लॉ हो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन हो एनीथिंग इन दोनों की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करना कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अंडर फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे उसको चेक करना उसको बोलते हैं जडिशियल रिव्यू राइट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ फाइव मेंबर बॉडी द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन ओके इलेक्शन कमीशन रिजोल्व रिलेटिंग टू स्प्लिट्स और मर्जर्स ऑफ रिकोगनाइज पॉलिटिकल पार्टीज सो विच ऑफ दराबर कबर करेक्ट वन एंड टू ओनली टू ओनली टू एंड थ्री ओनली या फिर थ्री ओनली सो लेट सी स्टेटमेंट वाइज देखते हैं इलेक्शन कमीशन इज अ फाइव मेंबर बॉडी नो सबसे पहले यही गलत है इट इज अ थ्री मेंबर बॉडी से एक सीई होगा प्लस टू इलेक्शन कमिश्नर्स इट इज अ थ्री मेंबर बॉडी दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट देन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड इलेक्शन नो कौन देखता है ये इलेक्शन कमीशन द इलेक्शन कमीशन डिसाइड द शेड्यूल इट इज डिसाइड बाय द इलेक्शन कमीशन एंड नॉट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सो दिस इज ऑल्सो इन करेक्ट इलेक्शन रिजोल्व डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू स्प्लिट्स और ऑफ रिकॉन्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज यस दिस इज करेक्ट

रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्युए फ्रॉम नो नथिंग लाइक ऐसा नहीं है कि अगर किसी कॉन्स्टिट्युए सिर्फ उसी से लड़ सकते हो नो यू कैन स्टैंड कैन फाइट फॉर द इलेक्शन इफ यू आर नॉट द रेजिडेंट ऑफ दट कॉन्स्टिटुएंसी बट यूजन ऑफ इंडिया सो यू कैन फाइट फॉर द इलेक्शन इन एनी कॉन्स्टिट्युएंसी राइट सो एनी सिटीजन ऑफ इंडियामेंट इलेक्टोरल रोल के अंदर आपका नाम आना चाहिए तो ये आप किसी के लिए फाइट कर सकते इलेक्शन के लिए लड़ सकते हो राइट

अब टाइम आ चुका है मॉक टेस्ट लगाने का बिकॉज एग्जाम इज नाउ गेटिंग नियर एंड नियर डे बाई डे अब प्रिपरेशन आपकी मॉक टेस्ट की हो जानी चाहिए स्टार्ट बिकॉज अब आप पढ़ाई के साथ साथ आपको एप्लीकेशन वाले पार्ट पर जाना है प्रैक्टिसिंग आप एक्चुअल प्रैक्टिस करेंगे क्या रियलिटी में आपको कितने क्या आपका किस सिचुएशन uh, पे खड़े हो कितना आपको प्रिपरेशन की जरूरत है एंड वेन इट कम्स टू आवर टेस्ट सीरीज प्रीलिम टेस्ट सीरीज दैट वी हैव लॉन्च एक्सक्लूसिवली फॉर एच सी एस फिल्म आपके लिए हमने एक वन स्टॉप सोल्यून बना रखा है अगर आपको टेस्ट सीरीज के लिए जाना है तो आई विल रियली सजेस्ट यू टू गो फॉर इट वी विल प्रोवाइडिंग यू ट्वेंटी छब्बीस टेस्ट प्रोवाइड करे जा रहे हैं जहां पर सी सेट के टेस्ट आपको चार्प्लीट सी सेट के टेस्ट मिलेंगे सेक्शनल टेस्ट फॉर सी सेट सेक्शन टेस्ट फॉर जीएसलीट जीएस टेस्ट एवरी थिंग प्रोवाइडेड एंड द बिगेस्ट यूएसपी अबाउट दिस टेस्ट सीरीज इज कि यहां पर आपको प्रॉपर एक, एक एनालिसिस मिलेगा

So, I again recommend to go for this test series as soon as possible. Now, don't you should not wait any moment because the test is uh, the exam is around the corner now, right? And with this, I wish you all good luck for your future endeavors. Until our next video, take care and bye bye. Thank you.